आखिर सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को खाने में गुड़ क्यों दिया जाता है? और दुनिया में एक ऐसा भी घर है जहां केवल 10 घंटे बिताने के मिलते हैं 14 लाख रुपए। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सन 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1953 के बाद जहाज की खिड़कियों के कोने गोल कर दिए गए और एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से एक एयर कंपनी को 1,42,00,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। नंबर 1, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को खाने में गुड़ इसलिए दिया जाता है जिससे यहाँ पर काम करने वाले लोगों के फेफड़े साफ रहें, क्योंकि गुड़ परिष्करण रिफाइनरी का काम करता है, इसलिए मजदूरों को खाने के लिए गुड़ दिया जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि जल्लाद फांसी देते समय कैदी के कान में ऐसा क्या फुसफुसाता है? दरअसल जल्लाद फांसी देते समय कैदी के कान में बोलता है कि मुझे माफ कर दो, और अगर कैदी हिंदू है तो उसे राम राम, और अगर मुस्लिम है तो उसे सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बस इतना कहकर जल्लाद फांसी का फंदा खींच देता है। नंबर 3, दोस्तों आपने देखा ही होगा कि ट्रैक्टर के पिछले पहिए हमेशा बड़े ही होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ट्रैक्टर कीचड़ में फंसे ना और अच्छी पकड़ बनी रहे। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वजन को बराबर करने के लिए ट्रैक्टर में पिछले पहिए बड़े लगाना जरूरी होता है। नंबर 4, दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि हवाई जहाज में की गई टॉयलेट जमीन पर है, इसलिए हमें खुले में खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा सोचते हो तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि इसकी सच्चाई तो यह है कि जहाज में एक 200 गैलन का टैंक भी होता है और उसी के अंदर सारा मलमूत्र जमा होता है, और पिछले 30 सालों से जहाज में वैक्यूम टॉयलेट का इस्तेमाल होता है जो कि पानी को छानकर एक तरफ कर देता है और ठोस मल को दूसरी तरफ कर देता है। आपको बता दें कि यह 200 गैलन का टैंक हर उड़ान के बाद एयरपोर्ट पर खोला जाता है और इसको खाली करके इसकी सफाई की जाती है। नंबर 5, आखिर इन देशों में सरसों का तेल बैन क्यों है? क्योंकि सरसों के तेल में एरुसिक एसिड की मात्रा अधिक होती है जो कि दिल का दौरा, फेफड़ों का कैंसर, एनीमिया और दस्त का कारण बनता है। एरुसिक एसिड के कारण ही अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सरसों का तेल बैन किया गया है। नंबर 6, दुनिया में एक ऐसा भी भूतिया घर है जहाँ पर केवल 10 घंटे रहने के 14 लाख रुपए मिलते हैं। दरअसल इस डरावने घर का नाम टॉर्चर हाउस है। इस घर के मालिक ने इसमें 10 घंटे बिताने के लिए $20,000 यानी लगभग 14 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। खास बात तो ये है कि इस घर में जाने से पहले हर व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अपनी मौत के जिम्मेदार स्वयं होंगे, हम नहीं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने पहले के जैसे चौकोर ना होकर गोल क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई जिसका जिम्मेदार इन चौकोर कोनों को माना गया। तभी के बाद जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होते हैं, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और इससे जहाज पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में ताबूतों में घंटी क्यों बांधी जाती थी? वो इसलिए यदि ताबूतों में दफनाया गया इंसान किसी कारणवश जीवित निकले तो वो घंटी बजाकर अपने जीवित होने का सबूत दे सके और उसे उस ताबूत से बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, अगर आपको यह पुराने समय का जुगाड़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि सौर मंडल से सूर्य गायब हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? दोस्तों, यदि सौर मंडल से सूर्य गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल खो देगी, जिसके बाद पृथ्वी अंतरिक्ष में एक पथ पर चलने की बजाय तैरने लगेगी। वहीं 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करने लगेगी और हमारी पृथ्वी सौर मंडल से अपना रास्ता भटक जाएगी। नंबर 10, दोस्तों दुनिया में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी वजह से एक एयरलाइन कंपनी को 1,42,00,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। सन 1987 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69,00,000 रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया और 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से भी ज्यादा उड़ान भर डाली, जिससे उस कंपनी को 1,42,00,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिससे 2008 में उस कंपनी ने हारकर उस आदमी का पास रद्द कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।